दोस्तों वेलकम टू कुक कार में विशुशीला। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन करी और ये बनाने जा रहे हैं मेरे भाई। उन्होंने लिया है कुछ गरम मसाले जैसे कि बड़ी इलायची, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, जावित्री, लौंग, छोटी इलायची, तेजपत्ता, लाल मिर्च, गरम मसाला और हल्दी और थोड़ी सी हींग। अब उन्होंने मिक्सर का जार लिया हुआ है और उसमें उन्होंने सारे गरम मसाले डाल दिए। फिर वो उसमें डालने जा रहे हैं लहसुन, अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च। अब इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लिया जाएगा। कुकर में डाला है सरसों का तेल। फिर इसे उन्होंने अच्छे से गर्म कर लिया है। फिर उन्होंने इसमें डाला है थोड़ा सा तेज पत्ता, लहसुन, सुनहरा हो चुका है। अब उसमें डाल रहे हैं वो प्याज। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर उन्होंने डाला है इसमें थोड़ा सा नमक। इसे थोड़ा सा चला लेंगे। तो प्याज को गलाना है, इसके लिए हम कुकर में दो सीटी लगाएंगे। दो सीटी में प्याज अच्छी तरह से गल जाएगा। एकदम देसी स्टाइल का बन रहा है, बहुत ही इजी। अगर किसी को चिकन बनाने ना आए तो बहुत ही इजी तरीका है ये फटाफट से चिकन बनाने का, सिंपल एंड देसी स्टाइल। ये देखिए, ये प्याज गल चुका है, देखिए कितने अच्छी तरह से गल गया है फटाफट से। फिर हम इसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था मसालों का, वो इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जो हमने ये हल्दी पाउडर, मिर्ची और गरम मसाला रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को और फिर हम इसमें सीटी नहीं लगाना है, बस कुकर को उसके ऊपर ढक्कन को रखा हुआ है। वही देखिए, तेल छोड़ दिया है मसालों ने। अब इसमें डालेंगे चिकन। ये हाफ के जी चिकन है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इन्होंने बहुत ही ईजी तरीका बताया है चिकन बनाने का। चलो, बहुत टेंशन लेते हैं चिकन बनाना है, मटन बना, तो इस तरह से बनाइए। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही सिंपल। अभी भी सीटी नहीं लगाना है इसमें, बस इसके ऊपर ढक्कन रख देना है और स्लो गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना है। और ये देखिए, हमारा चिकन तैयार है। इसे थोड़ा सा चला लेंगे। देखिए, आराम से चलाना है क्योंकि चिकन पक चुका है। इजी एंड सिंपल तरीका चिकन बनाने का। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया। ये देखिए, एकदम सिंपल तरीके से चिकन तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसे हम एक बर्तन में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये कलर कितना प्यारा आया ना इसका, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। घर पर चिकन बनाइए, खाइए और खिलाइए। बाय बाय।